ठीक, तो वाई मतलब क्या होता है? क्यों, जैसे तुम क्यों आते हो, वाई डू यू कम, तुम क्यों जाते हो, वाई डू यू गो, तुम क्यों खेलते हो, वाई डू यू प्ले, तुम क्यों पढ़ते हो, तुम क्यों नाचते हो, ठीक है। अगर मैं पूछूं वाई डू यू डांस, तो आपका आंसर होगा फॉर एंटरटेनमेंट। वाई डू ईट, फॉर, वाई डू ईट फॉर एनर्जी, ऊर्जा के लिए खाते हो। वाई डू यू लर्न, क्यों सीखते हो, फॉर नॉलेज। वाई डू यू लर्न फॉर नॉलेज। वाई डू यू वॉच टीवी, फॉर एंटरटेनमेंट। सीधे बैठ जाओ थोड़ा, तुम तो बिल्कुल ऐसे बैठे हो पसर के जैसे अब कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, मजे से बढ़िया है ना। तो वाई हो गया। फिर तो उसके बाद है हाउ। हाउ मतलब कैसा, कैसी, कैसे। हाउ मतलब कैसा, कैसी, कैसे। हम बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबसे पूछते हैं कैसे हो, कैसे हो, हाउ आर यू, कैसे हो, हाउ आर यू, कैसे हो, हाउ आर यू, ठीक है, यही पूछते हैं हम तो। हाउ मतलब होता है कैसे, ठीक है, हाउ मतलब होता है कैसे। तुम कैसे जा सकते हो, नहीं, हाउ कैन यू गो, तुम कैसे जा सकते हो, तुम कैसे आ सकते हो, तुम कैसे कह सकते हो, अपन बोलते ना तुम कैसे कह सकते हो, हाउ कैन यू से। पर वो एक बार और कह देता है, बोले ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, हाउ कैन यू से, तुम कैसे बोल सकते हो, हाउ कैन यू स्पीक, तुम कैसे पढ़ा सकते हो। मान लो कोई कहे, छोटा बच्चा, कि मैं 10th का बच्चा कहे कि मैं 12th को पढ़ाता हूँ, तो आप उससे क्या पूछोगे, तुम कैसे पढ़ा सकते हो, हाउ कैन यू टीच। कोई बच्चा अगर मान लो ज्यादा वजन उठा ले, तो हम बोलेंगे कि हाउ कैन यू लिफ्ट, तुम कैसे उठा सकते हो। एक कहानी सुनी थी मैंने कि एक 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा कुएं में गिर गया था, उसे 10 साल के बच्चे ने निकाल लिया कुएं में से, 12 साल के बच्चे को। तो जब ये चर्चा गांव में फैली कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, छोटे बच्चे ने बड़े को निकाल लिया, तो सब लोग कह रहे हैं यार ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बुजुर्ग थे गांव के, उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है, क्योंकि उस टाइम छोटे बच्चे को कोई बचा बताने वाला नहीं था कि तुम ये काम नहीं कर सकते। अगर कोई बताने वाला होता कि नहीं बेटा, नहीं बेटा, तुम नहीं कर सकते, तुम छोटे हो, तो शायद वो हिम्मत हार जाता और नहीं करता। चूंकि बच्चे के सामने विकल्प नहीं था, और बच्चे ने रस्सी डाली, बाल्टी में बड़े बच्चे को बिठा और पूरी दम लगा के बच्चे को कुएं से निकाल लिया। मतलब यह है कि सिर्फ एक कारण था कि उस बच्चे को कोई बताने वाला नहीं था कि तुम ये काम नहीं कर सकते। तो वही है कि अगर आदमी की उच्चतम क्षमताओं का अगर प्रयोग करने देखना है कि आदमी अपनी कितनी अधिकतम क्षमताओं का प्रयोग कर सकता है, तो आदमी को अकेला छोड़ दो, आदमी की उच्चतम क्षमताओं का पता चल जाएगा कि आदमी में कितनी क्षमताएं हैं। आपने देखा होगा जब हम 4-5 लोग साथ रहते हैं, तो हमारी ताकत अपने आप कम हो जाती है। साइकिल पे, गाड़ी पे कोई सामान रखना हो तो हम उठा नहीं पाते, और अकेले में मान लो वही सामान गिर जाए तो हम उठा के रख भी लेते हैं। आपने खुद प्रैक्टिकल किया होगा, कैसे, क्योंकि अकेले में हमारी क्षमताएं डबल हो जाती हैं, ट्रिपल हो जाती हैं, 4-fold, 3-fold, ठीक है। दैट्स द क्वालिटी, दैट्स वाई, ठीक है। हाउ कैन यू गो, हाउ कैन यू गो, ठीक है। एक बार ऐसा हुआ था कि एक खंबे पर मेंढकों को चढ़ना था, तो मेंढक चढ़ रहे थे, मेंढक फिसल फिसल के गिर रहे थे, और लोग चिल्ला रहे थे तुम नहीं चढ़ सकते, तुम नहीं चढ़ सकते, तुम नहीं चढ़ सकते, तुम नहीं चढ़ सकते। और मेंढकों ने हार मान ली और नहीं चढ़ पाया। एक मेंढक जाके ऊपर शिखर पे चढ़ गया। बाद में जब रिसर्च किया कि वो मेंढक कैसे चढ़ गया, देखा वो मेंढक बहरा था। तो उसे लोगों की बात सुनाई नहीं दे रही थी, तुम नहीं चढ़ सकते, नहीं चढ़ सकते। अगर सुनता तो वो भी शायद नीचे आ जाता कि मैं भी नहीं चढ़ सकता। ओके, तो समटाइम दैट कॉम्प्लीमेंट्स एंड कमेंट्स ऑफ ऑडियंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, दैट्स वाई टर्न द डीफ ईयर, अनसुना कर दो। बी ब्लाइंड एंड बी डीफ, वेन समबडी डिमोटिवेट यू, देन समबडी ट्राई टू डिस्करेज यू, देन बी डीफ। ओके, तुम कैसे जा सकते हो, तुम कैसे कर सकते हो, हम हाउ का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब हाउ का और ऊपर प्रयोग लिखते हैं हम। हाउ मच, हाउ मच इसका मतलब होता है कितना, लेकिन कहाँ प्रयोग करेंगे इसका, मात्रा के लिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैं रोज दूध पीता हूं, तो आप क्या बोलोगे, हाउ मच, हाउ मच, कितना सर, एक बाल्टी, एक गिलास,
मैं बोलूँगा एक गिलास जनरली, एक बाल्टी कौन पी, हाउ मच, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैं खूब पढ़ता हूँ, तो आप बोलोगे हाउ मच, कितना मात्रा, कितना पढ़ते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मैंने गेहूं खरीद लिया, तो आप क्या बोलोगे, हाउ मच, हाउ मच, कितने, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं पानी पीता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, हाउ मच, कितना, ठीक है। तो हाउ मच मतलब किसके लिए प्रयोग होता है, मात्रा के लिए, मात्रा के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, तुम कितना दूध पीते हो, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, पीते हो तो बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं, आई डोंट ड्रिंक, नहीं पीते तो क्या बोलोगे, आई डोंट ड्रिंक, ठीक है। बोलोगे सर चाय बना नहीं, क्या, यू ड्रिंक 500 ml, ओके, ठीक, आई डोंट ड्रिंक मिल्क। टेक और ड्रिंक में अंतर है, जो चीज़ धीरे धीरे पीते हैं वो नहीं, जो चीज़ गटाक से पी जाते हैं एक बार में वो ड्रिंक में आता है, और जो चीज़ आराम आराम से पीते हैं वो टेक में आता है, जैसे दवाई लेना टेक आता है, लेकिन दूध पीना ड्रिंक में आता है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी पी जाते हैं, हमें वैसा धीरे धीरे नहीं पीना पड़ता। ड्रिंक एल्कोहल वगैरह पीते हैं तो आदमी उसको भी ड्रिंक करते हैं, एकदम से पी जाते हैं आंख बंद करके, सबसे पहले वो क्या करते हैं, यहाँ वहाँ छिड़कते हैं, क्या क्या करते हैं, और उसके बाद सीधा जय बम भोले और इधर भगवान का नाम लेके कान आन पकड़ेंगे, कुछ तो क्षमा याचना कर लेंगे पूरे यूनिवर्स से, उसके बाद फिर लेके पड़ेंगे तो से पूरा एक ही बार में ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद गरीब से गरीब आदमी भी लखपति वाली बातें करता है, फिर वो करोड़पति वाली बातें करने लगता है, ठीक है। तो हाउ मच क्या हो जाएगा, मात्रा के लिए, कितना मात्रा, जैसे हाउ मच मनी, हाउ मच मिल्क, ठीक है। आपकी वो घटना याद आ जाती है, वो वाली गाड़ी वाली गाड़ी के नीचे उनके जो ट्रेजडी हुई थी, वो आपके मित्रों के साथ, वो कौन पहचान वाले थे, पहचान वाले नहीं थे शायद, शायद आपके, वो जो कुत्ता आ गया था उसने उनके सब पूरी महफिल में सब हंगामा खड़ा कर दिया था, दैट ठीक है ना, पुलिस की गाड़ी आ गई थी ना, तो दे वर एंजॉइंग द पार्टी अंडर द बाइक, एंड सडनली फीमेल डॉग केम एंड डिस्ट्रॉयड देयर पार्टी, ओके, दैट वॉज रियली अमेजिंग एक्सीडेंट, ओके। हाउ मच, कितना मात्रा के लिए, हाउ मैनी, कितना, लेकिन ये किसके लिए है, संख्या के लिए। तो देखो हाउ के, एक हाउ का ये हो गया, 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 तीन हो गए। हाउ मैनी, कितना, संख्या के लिए। जैसे मैंने बोला कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, आप क्या बोलोगे,